नरेंद्र पाल सिंह ठीक है जी। सुनो सुनो देसा सिंह भी मेरे अंदर उधर भी गया था एस डी जी पी दे इलेक्शन चले करते हैं गुरुद्वारा साहब के ते सानू सब कुछ मंजूर है जो भी आएगा सेवा करने वास्ते सानू सारे ना मंजूर है साढ़े वास्ते सब बराबर है जो संगत फैसला करेगी जो संगत चुनगा नुमाइंदा लियाएगी असं उन्होंने नाल बाकी जोड़ा भी आएगा जी असं कहने सारा बेहतरी करन ठीक है जी। स्कूल खोलन बच्चे पंजाबी पढ़ावन होर जी पंजाब दे नालों जिस तरह पंजाब विच बच्चे गतका सीखते और सब कुछ सीखते इस तरह असं आते हैं इतने स्कूल खोलन स्कूल खोलो साढ़े बच्चों सब कुछ सिखा जोड़ा भी कोई आएगा असं उन्होंने नाल जो संगत चुने गए असं उन्होंने गुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज तुम देखा कि साड़ी जी पोलिंग है डी जी पी सी की जो इलेक्शन हो रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक जोड़े वार्ड नंबर जोड़े साढ़े दो कैंडीडेट ने एक दिलप्रीत सिंह बिजती जी दूजा चरणजीत सिंह जी जोड़े सबका प्रधान हैं गुरुद्वारे के वो दोनों कैंडीडेट हैं। बाकी वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 के जोड़े बूथ है वो ये है मिडल स्कूल पार्लीवंडा गर्ल्स तो ठीक है वोट चल रहे हैं हूँ बड़े शांतिपूर्वक और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सहयोग रहा बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जोड़े मुलाजम अच्छी बेहतरी बड़े साइलेंट तरीके अच्छे भाईचारे वोट पै रहे हैं। चलो रिजल्ट आता जोड़ा भी संगत चुन के भेजेगी जोड़ा भी नुमाइंदा जो संगत का फैसला वो सारा फैसला जोड़ा भी जित के आएगा अं चाहते हैं कि गुरुद्वारे की बेहतरी वास्ते गुरुद्वारे की बेहतरी एक पंजाबी स्कूल खोलन बच्चे अज तो तुहानू पता 20 साल पहले जिहड़े बच्चे 20 साल के 25 साल के उन्होंने 10 गुरुओं के नाम मेरे ख्याल पता होने जो 9 या 10, 12 साल के बच्चे मैं नहीं लगता कि उन्होंने अपने गुरुआ का इतिहास पता जो ना आए मैं चाहना कि जोड़ा भी जीत के आए साढ़े बच्चों नौजवान जोड़ा बच्चा 5-10 साल का है उन्होंने अपने इतिहास दसन
जो अज तुम देख रहे हो अपना इतिहास दसन गुरुआं दा इतिहास दसन गुरुआं दा ना दसन स्कूल पंजाबी सिखान कीर्तन सिखान गतका सिखान ते सानू भी लगे कि साढ़े बच्चे साढ़ी जिहड़ी इतिहास है साढ़ा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़े अपना गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़ा साढ़ा इतिहास है गुरु ग्रंथ साहब है उहनू पढ़न सब आन बच्चे जिहड़ा इस धार्मिक जिहड़ी साढ़ी बुनियाद है उहदे नाल जुड़न ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏਗਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮਦੇਵ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਹਿਤ ਹਮ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ पूरे स्टेट लेवल का इलेक्शन है तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में जो वार्ड नंबर 9 की वो पोलिंग हो रही है वो इस स्टेशन पर हो रही है पार्लियामेंट में तो उसी के तहत हम वोटिंग करने आए थे हम लोगों से अपील करेंगे कि इसको अच्छी तरह से वोट डालें वोट हमारा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है और वोट डालें और जिस कैंडिडेट को आप चाहते हैं आगे लाना उसको लाएँ ताकि जो तरक्की पीछे रह गई हैं वो तरक्कियाँ हो सकें। आज यहाँ पर DGPC के इलेक्शन हो रहे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और बहुत ही शांतमय तरीके से हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और ना किसी चीज़ की परेशानी हुई ना ही कोई टेंशन हुई बहुत ही आराम से आ रहे हैं लोग वोट डाल रहे हैं और आराम से घर जा रहे हैं और अच्छे तरीके से हो रहे हैं वोट। DGPC की इलेक्शन है तो इसका उनका टाइम पूरा हो गया अभी जो नए सिरे से इलेक्शन हो रहे हैं नए प्रेसिडेंट कौन बनता अभी देखते हैं हम। बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है और बड़े पीसफुल शांति वातावरण से काम हो रहा है और वोटिंग हो रही है अभी लोग आ रहे हैं अभी 1 बजे तक टाइम है अभी अच्छा चल रहा है।